गृहस्थों को बाल कटवाना चाहिए या वपन करवाना चाहिए? एक ये बात है, वपन माने मुंडन और कटिंग क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए? ये तो महीनों के हिसाब से भी हमने पीछे की वीडियो में बतलाया है। अभी देखिए, सामान्य रूप से गृहस्थों को मुंडन नहीं कराना चाहिए, शास्त्रों में निषेध आया है। जहां निमित्त हैं, निमित्तों को छोड़ करके केवल 7 जगह गृहस्थ भी मुंडन करा सकते हैं। गंगायाम भास्कर एक क्षेत्रे माता पित्रोर गुरौर मृतौ ना आधाने सोमपाने च वपनम सप्तस्तु स्मृतम। गंगायाम भास्कर एक क्षेत्रे माता पित्रोर गुरौर मृतौ आधाने सोमपाने च वपनम सप्तस्तु स्मृतम। गंगा में, यदि गंगा तीर्थ में कोई गया हुआ है तो वहां भी जो है मुंडन करा सकता है, भले ही गृहस्थ क्यों ना हो। भास्करे क्षेत्रे यानी कुरुक्षेत्र में जाने पर भी, और माता पिता और गुरु के मृत हो जाने के बाद, इनके मृत्यु के पश्चात आधाने अग्नियाधान कोई कर रहा है तब, और सोम पाने सोम याग कर रहा है तब, सोम याग में, आधान में, गंगा में, भास्कर क्षेत्र में, और माता पिता और गुरु के मृत हो जाने के बाद ये जो है आधान करने के बाद और सोम यज्ञ करने के बाद, सोम यज्ञ में और आधान में मुंडन करवा सकता है गृहस्थ, अन्यथा मुंडन नहीं करवाना चाहिए। कर्तने न ऋषिकृत्य, कर्तन के द्वारा कैंची से कटवा करके छोटे बाल करवाना चाहिए, ऐसा धर्म सिंधु में लिखा है। अब देखिए, छौरम नैमित्तिकम कार्यम निषेधे सत्यपि ध्रुवम पित्रादि मृत दीक्षासु प्रायश्चित्तेथ तीर्थके। अब और बतला रहे हैं, जैसे 7 जगह बताई, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि नैमित्तिक कहीं छौर प्राप्त हो, ये ऊपर जो निमित्त बताए हैं, तब भी गृहस्थों को मुंडन करा लेना चाहिए। निषेधे सत्यपि ध्रुवम, भले ही निषेध हो तब भी, जैसे माता पिता के दिवंगत होने के बाद, तीर्थ इत्यादि में जाने के बाद, पित्रादि मृत दीक्षासु प्रायश्चित्तेथ तीर्थके। इसमें एक बात और जोड़ी गई है, प्रायश्चित्त, यदि कोई किसी का प्रायश्चित्त कर रहा है तो प्रायश्चित्त में भी मुंडन का विधान है, तो वहां भी मुंडन करा सकता है। अन्यथा सामान्य रूप से जब निमित्त प्राप्त नहीं हो तो मुंडन नहीं कराना चाहिए, ऐसा मुंडन कराने पर उसको जो है दोष लगता है, ये लिखा हुआ है शास्त्रों में। और इसमें भी गंगायाम भास्कर क्षेत्र माता पितृ पित्री वियोगता दूसरा वचन है, कचानाम वपनम कार्यम कक्षोपस्थ शिखाम बिना, ऐसी जगह में भी कक्ष उपस्थ और शिखा को छोड़कर के ही बनाना चाहिए। देखिए, और देखो, तीर्थों में जाकर के बाल बनवाने का विधान है ना, तीर्थों में बतला रहा है। एक खास बात ध्यान दीजिएगा कि तीर्थों में बाल बनवाना, जो बतलाया था कि गंगायाम भास्कर क्षेत्र है तीर्थे, अथवा मृत्यु के बाद या सामान्य रूप से बाल बनवाना, मुंडन करवाना, या सामान्य रूप से हम लोग जो कटिंग करवाते हैं, इसमें क्या भेद है, तो वो देखिए सूक्ष्म भेद है, ध्यान दीजिएगा। प्रेत कृत्य राजदंडे वपनम केश पूर्वकम अग्निहोत्रे च तीर्थे च वपनम स्मश्र पूर्वकम। दो तरीके के बाल होते हैं, दाढ़ी मूछ को बनवाना और केश को बनवाना। तो कहां पहले दाढ़ी मूछ बनवाए फिर केश कटवाए, कहां पहले केश कटवाए फिर दाढ़ी कटवाए, ये विधान है। बोले प्रेत कृत्य राजदंडे वपनम केश पूर्वकम, अगर कोई मर गया है उसके निमित्त बाल बनाए जा रहे हैं, अथवा राजदंड, कोई राजदंड लग गया है, राजदंड के बाद जेल वेल में रहने के बाद कोई बाल बढ़ गए फिर जो बनवाता है, या कोई दंड ही है इसका मुंडन करा के छोड़ दो, ये जो है दंड रूप में हुआ है, तो पहले जो है सिर के बाल बनेंगे और फिर
स्मश्रु दाढ़ी इत्यादि बनेगी, ये विधान है। प्रेत कृत्य राजदंडे बपनम केश पूर्वकम, पहले केशों का बपन होगा। और अगर कोई यज्ञ कर रहे हैं इसके निमित्त, या तीर्थ में जो बपन हो रहा है, या सामान्य रूप से जो बपन हो रहा है सदा, तो वो लिखा हुआ स्मश्र पूर्वकम, पहले दाढ़ी मूछ बनवाए और फिर जो है केशों का कर्तन करवाए। ये है, लोग जो है आज भी आप जाएंगे नापित के पास तो पहले वो आप वो सिर कटिंग करेगा, फिर जो है सिर बनाएगा, दाढ़ी बनाएगा। ऐसा नहीं है, पहले जो है दाढ़ी बनवानी चाहिए और फिर जो है सिर के केश कटवाना चाहिए। कह रहे हैं अग्निहोत्रे च तीर्थे च बपनम स्मश्र पूर्वकम, अग्निहोत्र में, अग्निहोत्र के निमित्त मुंडन करवाना हो, तीर्थ में करवाना हो, सामान्य रूप से कटिंग करवानी हो, तो तब भी बपनम जो है स्मश्र पूर्वकम, दाढ़ी मूछ का जो है बना करके फिर सिर के बाल बनवाना कटवाना चाहिए। ये विधान है शास्त्रों में, इस बात का ध्यान देना चाहिए। और ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये व्यक्ति पालन कर सकता है। और निषेध बताया गया, जहाँ निषेध बतलाया गया है वहाँ मुंडन नहीं करवाना चाहिए, बिना कारण के मुंडन नहीं कराए। और मुंडन भी कराए तो फिर बतलाया गया है 50-60 वर्ष के बाद कोई वृद्ध हो जाए फिर वो नियम लागू नहीं होता है, भले ही गृहस्थ हो, फिर वो रोज मुंडन करवा सकता है, मतलब जब भी चाहे तो मुंडन करवा सकता है। बिना तीर्थम बिना यज्ञम माता पितरो मृत्युम बिना यो बापयति लोमानि स भवेत पितृघातकः, इतना निषेध है। बिना तीर्थ में गए, बिना यज्ञों के निमित्त माता पिता इत्यादि के दिवंगत हुए बिना ही कोई, यो बापयति लोमानि, जो लोमों को छिलवा देता है, बपन करवा देता है, स भवेत पितृघातकः, वो अपने माता पिता का घातक है, उनको मारने का उसको अपराधी माना जाता है, इसलिए ऐसा कर्म नहीं करवाना चाहिए। और जहां निषेध नहीं है और जहां विधान किया गया है वहां करवा सकता है। अगर तो तीर्थों में कोई गया, देखिए ध्यान दीजिए, तीर्थों के लिए कह रहे हैं बपन करा सकता है, और किसी का आए दिन तीर्थों में जाने आने का काम हो, या जो व्यक्ति अभी गया है फिर दूसरी जगह तीर्थ में चला जाए, तो फिर वहाँ हर जगह मुंडन कराना चाहिएगा। क्योंकि तीर्थों में कई तीर्थ यात्रा पर कोई व्यक्ति निकला है, यूँ समझ लीजिए, तो अब वो यहाँ से गया जो है प्रयागराज गया, फिर अयोध्या गया, बनारस गया, है ना, तो अब सब जगह बनवाए क्या? इधर गया तो ऋषिकेश हरिद्वार में भी गया, उधर जो है बद्रीनाथ क्षेत्र में गया, तो सब तीर्थों में बनवाना चाहिए क्या? ये भी प्रश्न हो सकता है। तो देखिए इसका बड़ा सटीक समाधान है कि संवत्सरे द्विमासो ने पुनः तीर्थम ब्रजेत यदि मुंडनम चोपवासम च ततो यत्नेन वर्जये। देखिए यदि एक ही वर्ष में संवत्सर बदल गया तो बात अलग है, साल बदल गई तो दूसरे साल गए तो बात अलग है, संवत्सरे एक ही संवत्सर में द्विमासो ने दो महीने के भीतर भीतर, दो महीने से पहले पहले यदि एक तीर्थ के बाद दूसरे तीर्थ में या पुनः उसी तीर्थ में जाता है, पुनः तीर्थम ब्रजेत यदि, यदि वो तीर्थों में जाता है तो मुंडनम च उपवासम च, मुंडन और तीर्थों में जाने के बाद जो उपवास कहा गया है वो, ततो यत्नेन वर्जये, तो उन दोनों को यत्न पूर्वक छोड़ देना चाहिए। अर्थात दो महीने से पहले तीर्थों में जाने पर पुनः मुंडन और उपवास करने की आवश्यकता नहीं है, ये बात भी इसमें बतलाई गई। ध्यान दीजिएगा, इन बातों का पालन करिए। हर हर महादेव।